ऐसे ही मूव करता जाएगा और रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब मैंने कहा देख 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, मैक्सिमम 5 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, फिर 0 एम्पियर, फिर -1 एम्पियर, -5 एम्पियर, फिर 0 एम्पियर। तो यहां से लेके यहां तक टाइम पीरियड हाफ हुआ और ये कितना हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई डाउट इसमें? तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया जीरो से लेके कैपिटल टी तक का, ठीक है यहां तक? तो जीरो से टी तक एक साइकिल कंप्लीट हो गया और ये साइकिल बार बार क्या होता जाएगा, रिपीट। ठीक, तो किसी ने कहा सर एवरेज वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा एवरेज इसको ऐड कर दे सारे करंट और करंट्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड कर दे। तो उसने कहा ठीक है मैं ऐड करता हूं, जितने पॉजिटिव वैल्यूज एग्जैक्टली उतनी नेगेटिव वैल्यूज। कहता है एवरेज करंट तो जीरो हो गया, तो बच्चों को क्या कहूंगा कि वायर में कोई करंट नहीं आता, तुम हाथ लगा लो। ऐसे कैसे हाथ लगा लोगे, शॉक तो लगेगा ही, तो करंट तो आता ही है, पर उसने कहा एवरेज करंट तो जीरो। तो आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, आप फुल साइकिल ये कंप्लीट कर रहे हो या कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आपने एवरेज करंट निकालना है तो आप कभी भी फुल के लिए नहीं निकालेंगे, आप एवरेज करंट हमेशा हाफ साइकिल के लिए ही निकालेंगे। क्लियर है? तो याद रखना एवरेज करंट हमेशा हाफ साइकिल के लिए ही निकाला जाता है, क्योंकि कंप्लीट के लिए आंसर क्या आ जाता है, जीरो। ठीक है, अब कैसे निकलेगा उसका तरीका देखते हैं। एवरेज करंट अगर आपको निकालना है, आप इस चैप्टर को छोड़ें, मैं वैसे ही आपको बताता हूं कि जैसे ये टाइम है और ये करंट है, जरूरी नहीं है कि आपका कर्व साइन या कॉस की फॉर्म में ही बने, ये जरूरी नहीं है। मान लो किसी ने कहा कि देखो ये मेरा करंट है, मतलब ये कैसा करंट है, कहता बस ऐसा ही है, बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, मेरी मर्जी है, ऐसा ही है, नहीं बना साइन, नहीं बना कॉस की तरह। मैंने कहा ठीक है, कह रहा इसकी एवरेज निकाल दो। अब शेप अजीब सी दे दी, कोई बात नहीं। तो मुझे समझ में आता है कि ये टाइम T1 से लेके T2 तक एवरेज करंट पूछ रहे हैं मुझसे। जैसे हमने काइनेमेटिक्स में किया था कि एवरेज जो वेलोसिटी होती थी वो क्या होती थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये ऐसे ही करते थे। और उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी, dx बाय dt, क्योंकि अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, डेल्टा लगाओगे तो टोटल चेंज का मतलब कि एवरेज हो जाएगा, टोटल बाय टोटल हो जाएगा, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई मुझसे एवरेज करंट पूछता है तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कि कितना चार्ज पास कर गया और कितने टाइम के लिए, कम किया ज्यादा किया वो नहीं चाहिए, टोटल बताओ कितना पास कर गया और कितने टाइम के लिए, इन शॉर्ट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अगर कोई पूछे इंस्टेंटेनियस करंट बताओ तो डी क्यू बाय, तो इंस्टेंटेनियस पे कैलकुलस यूज करते हैं जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था, एवरेज में टोटल बाय टोटल करेंगे, राइट? तो पहली डेफिनेशन समझ में आ गई कि एवरेज करंट का मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि करंट यहां पर हर इंस्टेंट में चेंज हो रहा था, तो मैंने इसका स्मॉल एलिमेंट ले लिया, बहुत छोटा एलिमेंट ये रहा स्ट्रेट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट आई था, इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड किया कुछ ऐसे स्मॉल एलिमेंट को, तो ये डायग्राम ऐसा बना, ये देखो ऐसा बन गया ये रहा, और ये डिस्टेंस कितना है, dt है। तो अगर क्योंकि आई की वैल्यू हर इंस्टेंट पर क्या हो रही है, चेंज, पर इस इंस्टेंट पे कितनी है आई, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया अंडर दिस कर्व, ये रहा, तो एरिया क्या आएगा, इसकी लेंथ क्या है आई और विड्थ क्या है dt, तो एरिया आएगा आई dt। ठीक, एरिया क्या आ गया, आई dt। अब करंट इनटू टाइम क्या होता है, चार्ज, तो बेसिकली पता है क्या आ गया, स्मॉल चार्ज, तो dq इज इक्वल टू आई टाइम्स dt। को डाउट इसमें? तो स्मॉल चार्ज की वैल्यू आ गई आई dt। ठीक, पर मेरे को तो यहां पर क्या चाहिए, टोटल चार्ज। तो किसी ने क्या कहा कि आप ना पूरा ही एरिया कंसिडर कर लो शुरू से लेके एंड तक, पूरा एरिया। मैंने कहा कैसे कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, तो वो कहता है क्या कर दो, इन्हें इंटीग्रेट कर दो, तो आई डी टी की वैल्यू आपको क्या दे देगी, टोटल चार्ज। तो पॉइंट समझ में आया ये फॉर्मूला? तो जब भी मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो इसमें लिखा हुआ है टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम,
टोटल चार्ज में क्या लिखूंगा, आई डी टी की इंटीग्रेशन, और टोटल टाइम टी वन से टी टू के लिए इंटीग्रेशन ऑफ टाइम फ्रॉम टी वन से टी टू। कोई डाउट इसमें, बॉक्स में डाल लो, एवरेज करंट निकालने का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है प्लीज। ठीक, ठीक, तो एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ करंट का ये फॉर्मूला सबको क्लियर है, इसी को यूज करेंगे, राइट। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि करंट हमें, हम तो स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, कोई उल्टा सीधा कर्व तो लेते नहीं ऐसा, हम तो साइन के साथ ही चलते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में करंट कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे आएगी, इंस्टेंटेनियस का मतलब जो टाइम के साथ डिपेंड करता है, तो क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का मतलब टाइम के साथ करंट हमारा कैसे चेंज होता है। पर हम इंस्टेंटेनियस करंट थोड़ी ना निकालना चाहते हैं, हम क्या निकालना चाहते हैं, एवरेज करंट। हम एक काम करते हैं, इस आई की पूरी वैल्यू को उठा के यहां पुट कर देते हैं। तो क्या पुट करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक, कहां से कहां तक इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स इंपॉर्टेंट है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कंप्लीट साइकिल के लिए आंसर हमेशा जीरो देगी। आपने किसके लिए निकालना है, हाफ साइकिल, हाफ साइकिल की लिमिट्स बताओ जीरो से टी बाई टू। कोई डाउट इसमें, तो ये फॉर्मूला बनाना आ गया सबको। ठीक, इसमें से डिनोमिनेटर में तो 1 dt की जो लिमिट्स है 0 से t by 2, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, t by 2। तो ये i not बाहर आ गया, sin omega t की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos omega t डिवाइडेड बाय d by dt ऑफ omega t। मेडिकल के लोग देख लें, d by dt ऑफ omega t से डिवाइड करना होता है, जो कि क्या बचेगा, सिर्फ omega। मेडिकल के लोग ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम का जो कोफिशियंट होता है omega उससे डिवाइड करते हैं, एक ही बात है। नॉन मेडिकल वालों को एडवांटेज है इसमें, उनको तो टेंशन ही नहीं है इंटीग्रेशन की, तो उनको तो समझ में आता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, अब यहाँ पे इधर देखो, जीरो से टी बाई टू, टी बाई टू ऊपर ठीक तरह करके लिखोगे तो क्या आएगा, टू बाई टी। तो चेक करो नेक्स्ट पेज पे, ये देखो यहां पर क्या था, टी बाई टू, उल्टा किया तो क्या आया, टू बाई टी। कॉस के इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जीरो से लेके टी बाई टू। तो एक बार स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट टी बाई टू, एक बार स्मॉल टी की जगह लोअर लिमिट जीरो। ठीक, यहां तक जीरो। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, ओमेगा का मतलब क्या होता है, टू पाई बाई टी, टी से टी क्या हो गया कैंसल, टू से टू क्या हो गया कैंसल, तो क्या बच गया, कॉस पाई। मेडिकल के लोग कॉस पाई की वैल्यू मैथ्स में होती है माइनस वन, याद करनी है, माइनस वन, माइनस वन, और कॉस जीरो क्या होता है, वन। माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस टू इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू से टू कैंसल, टी से टी भी कैंसल, सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा टू अपॉन पाई इंटू आई नॉट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, एवरेज करंट का फॉर्मूला टू डिवाइडेड बाय पाई इंटू आई नॉट, वेयर आई नॉट इज मैक्सिमम करंट, आई नॉट का मतलब पीक करंट या मैक्सिमम करंट, और टू अपॉन पाई को सॉल्व करेंगे तो 0.637। तो मतलब अगर मैं आपसे यह बोलता हूं कि एसी करंट की पीक वैल्यू 5 एम्पियर है, मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर है, तो एवरेज करंट बोलो क्या होगा, 0.637 इंटू 5 एम्पियर। तो इट क्लियर है यहां तक? तो ड्राइव हो जाएगा ये।
ठीक, तो कितना आसान तरीका हो गया, एवरेज इंस्टेंटेनियस से बचने के लिए हमने एवरेज कर दिया, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ अभी हमने क्या निकाली थी, मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, अब हम क्या निकाल रहे हैं, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। बहुत आसान फॉर्मूला चेंज कर दिया, आई की जगह ई एवरेज, आई की जगह ई सेम, तो हमने ईएमएफ क्या लेनी होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इस बार ई की जगह क्या पुट करें, ई नॉट साइन ओमेगा टी। एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल के लिए, तो लिमिट क्या पुट करेंगे, जीरो से टी बाई टू। बिल्कुल सेम डेरिवेशन स्टार्ट हो गई जो अभी की थी, फर्क सिर्फ एक है, आई नॉट की जगह ई नॉट कर दिया बस, तो बिल्कुल रिजल्ट भी सेम आएगा, स्टेप्स भी इसमें सेम है, तो आप जब इसका आंसर निकालेंगे वही आंसर आएगा 2 बाय पाई टाइम्स ई नॉट या फिर 0.637 ई नॉट, सेम है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। तो अब किसी ने यह कहा कि